नमस्कार, मैं भाग्यश्री। मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य की काले तिल के साथ उपासना करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव और शनि की कथा पढ़ी जाए तो शनि दोष से काफी हद तक राहत मिलती है। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति की कथा। मकर संक्रांति का त्योहार इस बार 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस दिन जब तप व दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन किए गए दान का दोगुना फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य शनि देव के घर आते हैं और इस दिन सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि पहले शनिदेव की राशि कुंभ थी, लेकिन जब सूर्य देव शनिदेव से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उन्हें एक और राशि यानी मकर राशि प्रदान कर दी। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव और शनि की कथा पढ़ने से आप शनि दोष से काफी हद तक राहत पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और शनि देव में अच्छे संबंध थे। दरअसल इसका कारण था सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनि देव का रंग काला होने के कारण सूर्य देव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता है। इसके बाद से सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वह रहते थे उनका नाम कुंभ था। सूर्य देव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्य देव को कृष्ण रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्य देव ने छाया और शनि देव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्य देव के पुत्र यम ने सूर्य देव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाए। इसके बाद सूर्य देव छाया और शनि देव से मिलने के लिए उनके घर पहुँचे थे। जब सूर्य देव वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनि देव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनि देव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव दो राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें ये भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा, उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही ये भी कहा कि इस दिन जो भी लोग मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएंगे। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन और धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती है।